हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई, वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा जी भाई पंजाबी चिकन मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भैया जी, चिकन का लेग पीस भाई इतने वड्डे वड्डे, करीब 1 किलो 300 ग्राम है जी, ठीक है जी। तो इसमें करना क्या जी, इसको मैरिनेट करने का पहले इसमें डालेंगे जी हम नमक भाई स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, लहसुन करीब 3 टेबलस्पून, अदरक 2 टेबलस्पून और 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है ये, ठीक है। नहीं भाई, पूछते रहते हैं। 1.5 नींबू का रस, 1 टेबलस्पून भाई चाट का मसाला, 1.5 चम्मच भाई चिकन मसाला, 1 चम्मच भाई काली मिर्च का पाउडर। तो जी इसे मिला मुलू लो चंगी तरह से। भाई ये बताना भूल गया मैंने, इसमें पहले के कट मार के रखे हुए हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने आपका यार। तो दोस्तों मैरिनेशन हो गई है, इसे करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दो, रेस्ट, ठीक है जी, फ्रिज के अंदर। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, मैंने कढ़ाई लगा दी है, तेल डाल दिया, कितना ही होगा, ज़्यादा नहीं है, 8-9 टेबल स्पून है, ठीक है। इसमें हमको अपने चिकन को अब हल्का फुल्का फ्राई करने का है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है, समझ मेरी बात को आप, 5-10 मिनट के लिए इस साइड भी उस साइड भी। तो जी जो अपने चिकन लेग पीसेस हैं ये रोस्ट हो गए हैं, ठीक है, इस साइड भी और उस साइड भी, तो मैं इनको अब बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। 6 मिनट इस साइड किया मैंने, 6 मिनट उस साइड किया, ज़्यादा नहीं किया मैंने, अब मैं गैस अपने बंद करने जा रहा हूँ। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, मैंने फिर कढ़ाई लगा दी अपनी ट्रेडिशनल कढ़ाई, इसमें मैंने तेल डाला है जी करीब करीब 15 टेबल स्पून, जो कि अभी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जी तेल जो अपना हल्का फुल्का गर्म हो रहा है, मैं कड़छी यूँ टिकाता हूँ कहीं मेरे मसाले जल जुल ना जाए, ठीक है जी। इसमें डाल रहा हूँ जी मैं 1 चम्मच भाई जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 तेज पत्ता, 4 छोटी इलायचियाँ, 4 लौंग्स, ठीक है जी। अब ध्यान रखना तेल कहीं ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है, लाओ जी इसको इज्जत से तो भून लो जब तक जो खुशबू है वो बाहर आए, ठीक है, ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए वरना सब्जी की वाट। तो जी सोंगी सोंगी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, मैं गैस का फ्लेम दोबारा लो कर रहा हूँ, कड़छी यूँ ठिका रहा हूँ, और इसमें मैं चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डाल रहा हूँ, ठीक है, इज्जत से। तो इसे भी प्रॉपरली भून लो भाई, लहसुन जो है वो करीब 3 टेबल स्पून है, अदरक जो है वो 1 टेबल स्पून है और 2 हरी मिर्चें हैं, तो इसको हल्का फुल्का ब्राउन होने तक पका लीजिए। तो जी अदरक लहसुन भी अपना पक गया हुआ जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी 1/2 किलो प्याज, ठीक है जी, पर के तो जी पका लो हाई फ्लेम पे, इसे पका लो, पर ध्यान रहे इसको हमको ब्राउन नहीं करने का है, इसको केवल पकाने का, ताकि जो मिठास है वो बाहर जाए, करीब 5 से 6 मिनट, चलो 8 मिनट पका लो जी, बस ब्राउन नहीं करना, ध्यान रखो आप। तो लो दोस्तों करीब 8-9 मिनट मैंने पकाया जी से हाई फ्लेम पे, और प्याज ने अपने जूसेस छोड़ दिए हैं मीठे मीठे, ठीक है। अब मैं इसको यूं कर रहा हूँ, गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, और इसमें 1, 2, 3 और 3.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल रहा हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी डाल रहा हूँ, 1.5 चम्मच भाई जीरे का पाउडर डाल रहा हूँ। तो जी इसे मिला मुलू लो चंगी तरह से। अब आप गैस का फ्लेम हाई करोगे, ठीक है, थोड़ा इसे 1 मिनट के लिए कड़छी चलाते रहोगे, केवल 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद इसमें आप थोड़ा पानी डालोगे, 1/2 से कम गिलास, तो इसे हाई फ्लेम पे अब पकाओगे, जो पानी जो डाला हुआ है इसको जो ड्राई करोगे, ठीक है, पकाते रहो जब तक ड्राई हो जाए। तो लो दोस्तों भाई मसाले पक गए, अब मैं डाल रहा हूँ जी इसमें टमाटर, करीब 1 पाव टमाटर है जी, ठीक है, कट कुट करके, तो जी लो पका लो इसको भी, ठीक है, ऊपर से छिड़को नमक भाई स्वाद अनुसार, ध्यान रहे कि मैरिनेशन में भी नमक मिलाया है मुर्गे में, ठीक है, लेग पीस में, सॉरी। तो जी मिला लो, तो जी हाई फ्लेम पे करीब मैंने इसको 2 मिनट यूँ कड़छी चला चला के पका लिया। तो जी अब करना क्या, गैस का फ्लेम लो कर लो, इस पर ढक्कन रख लो और 15 मिनट के लिए भूल जाओ। दोस्तों भाई करीब 15 मिनट हो गया, तेल भी ऊपर आ गया एंड टमाटर भी गल गया, तो इसको यूँ 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 करके सेट कर दो, ठीक है जी, सेट कर दो प्रॉपरली। अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है, अब ये मुर्गे उठा के इज्जत से इसमें रखो, इसको रखो, इसको रखो और इसको भी रखो। आप बोलोगे 4, भाई 5वां कहाँ चला गया, जिन्होंने गिने होंगे वो मैंने खा लिया फ्राई करके सारी। तो जी मिला मुलू दिया, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ करीब 1/2 गिलास पानी, ज़्यादा नहीं मिलाना, ठीक है ना, 1/2 ही मिलाना। तो इसे थोड़ा सा मिला मुलू लो और गैस का फ्लेम हाई कर लो,
अच्छी खासी उबाल का वेट कर लो। तो जी उबाल आ चुका है, ठीक है, अब करना क्या, करना कुछ नहीं जी, इसमें डाल रहा हूँ जी मैं 1 टेबल स्पून भाई किचन किंग का मसाला, अगर गरम मसाला तो वो भी डाल दो आप, कोई चक्कर नहीं है। तो जी मला मुड़ू लो चंगी तरह से। तो जी अब गैस का फ्लेम लो करेंगे, इस पर ढका रखेंगे और 15 मिनट के लिए भूल जाएंगे लो फ्लेम पे। तो 215 नहीं 20 मिनट हो गया, चख लो। ओ अब करना क्या है, गैस का फ्लेम हाई करना है और 5 से 6 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो ये जो देख रहे ना ये थोड़ा कम हो जाए, ये थोड़ी देर बस 5 मिनट के लिए। तो जी 5-6 मिनट हो गए जी पकते हुए, अब मैं डाल रहा हूँ जी कसूरी मेथी, अपना आखिरी विरासती मसाला। तो लो जी भाई बनके तैयार है, करते हैं जी अब टेस्ट। तो लो भाई दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपना भाई पंजाबी चिकन मसाला। भाई देखो यार, भाई देखो, देख रहे हो मसाला, देख रहे हो मसाला है लोडेड नहीं, बस देखो पीस को पीस, भाई क्या लग रहा पीस है, सही नहीं है। और भाई साथ में क्या लिए जी, साथ में लिए ये गाजर गुजर, ये प्याज पूज, ठीक है इम्प्रॉपर कटे हुए। ओ भाई आप ये देख रहे हो आज भाई नई प्लेट है अपनी बाइक की, हाँ भाई टेंशन ही खत्म कर दी, किसकी काले की भी और चिट्टे की भी, मतलब बोले तो वाइट की भी, मैं कहा चलो आप ये लाता हूँ और बर्तन भी अब मैं इसके वही लेके आऊँगा ऐसे 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 वाले अगर मिल गए तो। भाई मुद्दा किसका है, मुद्दा कि अब टेस्ट कैसा है, हाँ पहले उठाएंगे मसाला, भाई मसाले में नमक बराबर है, मसाले कोई ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, भाई चेक करना है प्रॉपरली है। तो भाई देखो हाँ देखो टेक्सचर देखो है, सही नहीं है, ओनली प्याज एंड टमाटर है एंड मसाला देखो भाई। तो भाई मुद्दा कैसा है, मुद्दा ये है कि प्लेट में बड़े चिकनाहट है यार। तो आओ भाई पहले तो नमक नमक बराबर है, मसाले बराबर है, बस स्थिति कैसी है। थोड़ा और बनता है, और लौंग आ गया, लौंग क्या फ्लेवर है लौंग का यार। भाई ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा तीखी बनी हुई है, मैं ज़्यादा नहीं बराबर तीखी बनी है, मसाला बहुत ज़्यादा फ्लेवर दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर दे रहा है, इतना ज़्यादा दे रहा है कि महसूस करे उस मसाले को जो हमने डाले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा 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 भाई। और टमाटरों की खटास बड़ी प्यारी, प्याज की मिठास बहुत प्यारी, फुल फ्राई नहीं करना प्याज, हाफ फ्राई करना ताकि मिठास बाहर निकले, नमक बराबर है, तीखापन बहुत अच्छा खासा है, क्यों कश्मीरी लाल मिर्च भी तीखापन दे ही देती है, हरी मिर्च आजकल बहुत ज़्यादा तीखी आती है यार, सच में कह रहा हूँ बहुत तीखी आती है सच में। तो भाई मुद्दा किसका है, मुद्दा की जो अपना ये चिकन का लेग पीस है वड्डा वड्डा, इसको मैं लेके आता हूँ इज्जत से भाई अपने प्लेट में, ये देखो जी विद मसाला बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लोडेड लोडेड है लोडेड, ये ओह बड़ा गर्म है यार, बड़ा गर्म है। तो आओ भाई अब देखते हैं जी इसका टेस्ट कैसा है, हाँ भाई मसाले वगैरह भीतर आए नहीं आए हैं, हाय हाय थोड़ा और बनता है और बताता हूँ मैं आपको विस्तार से। ओ यार भाई वाकई में जो स्टार्टिंग में हमने जो मैरिनेशन की थी चाट मसाले की, चिकन किंग की, और चिकन किंग नहीं किचन चिकन मसाले की, हाँ भाई क्या फ्लेवर दे रहा है यार, क्या फ्लेवर दे रहा है, मज़ा आ रहा खाने का मज़ा। और जब यह मसाला इस पर पड़ के आपको बताता हूँ ओए खट्टा खट्टा, हाँ जो मतलब कि खटास नींबू डाला गया था चाट मसाले का भी चटपटा, और जो मसाला तीखा तीखा, क्या फ्लेवर दे रहा है भाई, क्या फ्लेवर दे रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहा है सच में कह रहा हूँ। तो आ भाई अब आप पूछोगे भैया इतना को खा गया, अब ये तो बता दे कैटेगरी कौन सी इसकी, जाबर है, जाबरा है, जाबरा प्लस है, या जबरानजा है, भाई कुछ भी नहीं है, 8.5 पे अटका हुआ है, उसके बड़े सारे रीजंस हैं, वो रीजंस क्या हैं वो मुझे खुद नहीं मालूम, क्यों
कोई टेस्ट ऐसा होता है, बताता हूँ खा के, कोई चीज़ ऐसा होता है, मैं खा के से बता रहा हूँ, तुझे समझना होता है कि जो आपके ज़ुबान पर आके रख के इधर और इधर क्लिक हो जाए, क्लिक तो क्लिकेबल नहीं है, ये टेस्टी है, अच्छा है, टेस्टी है, मज़ा करोगे खा के। तो भाई टेस्ट उस तो हो गया, हाँ भाई मसाले का भी और चिकन का भी। अब मुद्दा कि किंग किंग क्या दशा चेंज करने वाला है, क्या मालूम जब रांझा कर दे। अब लिख आता हूँ। तो दो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है भाई, आज किंग तो बड़ा खिला खिला लग रहा है, बट ये किंग की रेसिपी नहीं है, ये अपने सीधे साधे पराठों की फुलकों की रेसिपी है, समझे मेरी बात आप, कानून तो यही कहता है। तो भाई देखो देखो 1, 2, 3 और 4 प्रॉपर हो गया है नहीं। तो भाई एक सवाल है जो आप मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं कि भैया बाहर की जो रेसिपीज वीडियो हैं वो आप कब बनाओगे। हाँ तो देखो भाई जो बाहर की रेसिपी वीडियो है, बताता हूँ। देखो भाई सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो रीज़न मैं कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये है इरिटेशन, सैचुरेशन जो है, ये बहुत बड़े रीजन्स हैं जो आ चुके हैं जी आज की डेट में इस फील्ड में, फूड रिव्यू फील्ड में। यार मैं गया था भाई, किंग वेट कर रहा है यार, चलो बोल देता हूँ, मैं गया था, मैंने शूटिंग की, मुझे थोड़ी एरोगेंस और इरिटेशन महसूस हुई भाई ओनर से। वो क्यों हुई? क्योंकि इतने लोगों ने उसे एक्सप्लोर किया था, और जब मैं गया तो उसे इरिटेशन स्टार्ट हुई। उसको नहीं मतलब कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको इरिटेशन हुई भाई आ गया, ये मैंने महसूस किया यार। बताता हूँ पहले टेस्ट देखता। नमक हल्का कम लगा, किंग के साथ खाने पे नमक कम लगा और मसाले भी माइल्ड लगे, इंडिविजुअल ज़्यादा लगे और मसाले भी तेज लगे, लेकिन ऐसा ठीक है किंग के साथ में। तो भाई ये रीज़न है कि मैं जो आपसे शेयर काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा बोलने को, लेकिन यहाँ तक आ रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा था, किस तरह समझाऊँ मैं आपको, बल्कि बेइज्जती होना एक अलग पार्ट है। देखो इनविटेशन आते रहते हैं अपने भाइयों की, आइए हमारे पास आइए, वो एक अलग पार्ट है, वो जाएंगे हम, बट जैसे मैं पर्टिकुलरली कहीं जाता हूँ यार अब वो चीज़ नहीं रही है भाई, क्या करें। तो अब आप ये ना सोचना कि मैं बाहर का खाना रिव्यू नहीं करूँगा, करूँगा अच्छी से करूँगा, बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा, पूरे इंडिया का करूँगा, पूरे जम्मू का करूँगा, कश्मीर का करूँगा, हर जगह करूँगा, पूरे इंडिया का, बट एज अ कस्टमर, एज अ व्लॉगर नहीं, एज अ यूट्यूबर नहीं, एज अ फूड रिव्यूअर एंड फूड क्रिटिक जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, टेस्ट करेंगे और बताऊंगा मैं आपको बट टेस्ट कैसा, बट एज अ कस्टमर व्लॉगर नहीं, घर पर भी ऐसे रहेगा। और बाकी रेसिपी तो चल रही है अपनी घर की यार बढ़िया से। तो भाई मुझे उम्मीद है कि जो मेरी भावनाएं हैं उनको आप समझोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई। बाकी मज़ा काफ़ी आया, आप खूब इन्जॉय करोगे, ये रेसिपी बहुत बढ़िया है, आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।